नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी बस जर्नी कर रहे हैं जो राजस्थान बॉर्डर से महाराष्ट्र बॉर्डर तक जाती है, मतलब अंबाजी से सोनगढ़, जिसका नाम है बुलबुल एक्सप्रेस। इस बस का इस 30 साल पुराने सफर को आज भी अंबाजी डिवीजन ने जीवित रखा है। क्यों कहते हैं इसे बुलबुल एक्सप्रेस? किसने नाम दिया है इस बस का? GSRTC की इस ऑरेंज कलर की स्लीपर कोच बस में इसको नया रूप मिला है। क्या ये लास्ट बस है इस रूट की? तो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप लास्ट तक बने रहना, मज़ा बहुत आने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेवल दियो ब्लॉग में। अभी मैं खड़ा हूँ 7 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यानी अंबाजी धाम में, और यहाँ से एक काफ़ी खूबसूरत बस जर्नी में आज करने वाला हूँ। बस जर्नी हमारी है यहाँ से अंबाजी से सोनगढ़ के लिए। ये बस जर्नी काफ़ी स्पेशल है। इसके पीछे रीज़न ये है, ये जो बस चलती है ये 30 साल पुराना रूट को आज भी कवर कर रही है। ये एक ऐसा रूट है जो काफ़ी पुराना रूट है और काफ़ी बसें इस रूट में चेंज हुई है। मतलब पहले जो नॉर्मल बसें चलती थी GSRTC की, वो पूरा सिलसिला चलते 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 आज या स्लीपर कोच पे आके रुका हुआ है। तो आज इस स्लीपर कोच में हम जर्नी करने वाले हैं। ऑरेंज कलर की स्लीपर कोच बस है, काफ़ी अच्छी सजाई हुई है, डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है ड्राइवर साहब ने, और क्या क्या डेकोरेशन वगैरह किया है क्या नहीं है वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इतना पुराना रूट आज भी कवर हो रहा है और कंटिन्यू हो रहा है, तो उसे सजाना तो ड्राइवर साहब बोलते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि पुराना रूट है। अच्छा, इस बस की एक सबसे बड़ी ख़ास बात यह है, ये जो बस है ना, ऐसी एकमेव बस है। ये एक ऐसा रूट कवर करती है, उस रूट में ये आखिरी बस होती है। मतलब इस बस का जो रूट है मैं आपको बताता हूँ, ये बस अंबाजी से निकलती है ना, तो बेरालू और विसनगर, वडनगर, अपना रानीप और गांधीनगर होके ये जाती है। थोड़ा लॉन्ग रूट है इसका, लेकिन उस जगह के लोगों के लिए ये बस आखिरी बस होती है। मतलब अगर ये बस वो बस स्टेशन से अगर निकल जाती है ना, तो उन लोगों के लिए मतलब चांस नहीं रहता है सूरत, वडोदरा या वो तरफ जाने के लिए। तो ये बस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी डिमांड वाली बस है, और आज भी ये बस जो है ना ऑनलाइन पे पूरी पैक है, एक भी सीट इसमें अवेलेबल नहीं है। जबकि आज ही नहीं, डेली का ये सिलसिला होता है इस बस का। तो और कैसा इसका रूट रहने वाला है, क्या फेर रहेगा, सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। अभी ये वीडियो में पूरा वर्कशॉप से स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ अंबाजी बस स्टेशन में, आप पीछे देख रहे हो सारी बसें यहाँ पे होल्ड पे खड़ी हैं, और मैं भी यहाँ पे वर्कशॉप में आया हूँ, बट मैं दोपहर को 4 बजे ही यहाँ पर आ चुका हूँ। क्योंकि ड्राइवर साहब का ऐसा मानना है कि ये जो मतलब, और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि इतना पुराना रूट है, ये 30 साल पुराना रूट है, तो इस 30 साल पुराने रूट के बस का आज भी इतना अच्छा मेंटेन किया जा रहा है इस रूट को, इस बस को, तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न है ना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई बस लॉन्ग रूट के लिए जाती है अपने डिवीजन से, तो वर्कशॉप में उस बस जब प्लेटफॉर्म पे लगती है उसके पहले क्या क्या काम होते हैं, बस को रास्ते में कोई भी तकलीफ ना आए तो क्या क्या काम किए जाते हैं, हेडलाइट्स के, हॉर्न के, इंडिकेटर के, कभी ब्रेक के, है ना, व्हील बैलेंसिंग कहो या वॉशिंग से रिलेटेड, साफ सफाई से रिलेटेड, सारा कुछ हम आज आपको दिखाएंगे। क्या होता है कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की बसें जो रहती है या मतलब JSRTC की बसें साफ सफाई के मामले में ऐसी है वैसी है, ध्यान नहीं देते, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिगाड़ने वाले पैसेंजर ही होते हैं, कचरा लेके आते हैं तो साथ में लेके भी जाते नहीं है, साथ उसमें ही डाल देते हैं। तो आज मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस देखना। पीछे मेरे वर्कशॉप है, पूरी बस अभी यहाँ पे लगेगी, पूरा काम होगा, उसके बाद में वॉशिंग के लिए जाएगी, उसके बाद में और एक उनका पार्ट है वहाँ पे उनका काम वगैरह होगा। बस अभी निकल चुकी है, व्हील अलाइनमेंट के लिए पहले जा रही है। क्या क्या काम होगा क्या नहीं होगा सारा कुछ दिखाऊंगा, बने रहना वीडियो में, मज़ा बहुत आने वाला है। एक आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, इस बस को कवर करने के लिए है ना मैं स्पेशली नहीं आया हूँ, मुझे इस बस का रूट पता भी नहीं था और इस बस के बारे में पता ही नहीं था। मुझे स्पेशली इस बस में जो चलते हैं ना ड्राइवर साहब, उनका नाम है महेंद्र सिंह, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे मेरा नंबर क्या पता कहाँ से मिला उनको, मैं पूछूंगा। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मेरे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट किया, उससे मतलब मुलाकात हुई और मुझे यहाँ पे इनवाइट किया उन्होंने कि आप आइए, हमारे बस का रूट बताइए और बस के बारे में बताओ और आप लोगों तक ये जानकारी बताओ। और ये जो महेंद्र सिंह जी ड्राइवर है ना, ये इस बस में हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन चलते हैं, मतलब गुरुवार के दिन अंबाजी से सोनगढ़ जाते हैं और सोनगढ़ से शुक्रवार के दिन वापस निकलते हैं और अंबाजी आते हैं।
तो एक दिन खाली हफ्ते में चलते हैं और पूरी बस उन्होंने सजाई है, क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं कि 30 साल पुराना रूट है ना, उसको उस बस को ऐसा करे कि लोगों की याद बने, है ना, कि लोगों को पसंद आए कि इतना पुराना रूट है आज भी चल रहा है और इतनी बढ़िया बस सजाई हुई है वगैरह वगैरह। आज वैसे तो JSRTC में ये सब ट्रेंड चल रहा है बस सजाने का वगैरह, लेकिन इससे बेनिफिट काफ़ी हो रहा है डिवीज़न को, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनको अच्छा भी लग रहा है, प्राइवेट लग्जरी का फील भी दे रहा है गवर्नमेंट की बस को। तो चलो चलते हैं और एक एक चीज़ आपको आप दिखाते हैं। अब मैं पूरी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो आप, व्हील अलाइनमेंट जिसे कहते हैं, बैलेंसिंग वगैरह कहते हैं, वो सारा कुछ हो चुका है कि जब बस मतलब चले तो बस का कोई भी मतलब होना नहीं चाहिए। देख सकते हो अभी मैं हूँ वर्कशॉप में अंबाजी के, और यहाँ पे हमारी बुलबुल एक्सप्रेस का वॉशिंग हो रहा है। कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान दिल से अपनी बस को सजाता है ना, तो वो मतलब उस बस को ऐसा ही रखता है, हमेशा फिक्र रहती है। देखो किसी के हवाले नहीं है, कैसी बस धोना है वो खुद धो रहा है, जबकि वर्कशॉप में अलग अलग इंसान यहाँ पे रखे गए हुए हैं कि मतलब ये आप देख रहे हो ना ये पार्ट पीछे मेरे, तो यहाँ पर बस की वॉशिंग होती है, बट ये खुद धो रहे हैं। मैंने पूछा कि आप क्यों धो रहे हो आपके पास में जबकि इंसान है, तो बोलते नहीं मुझे पता है कि कौन सा एरिया थोड़ा ज़्यादा वॉश करना है कौन सा नहीं करना है। तो चलो अच्छी बात। और जर्नी स्टार्ट करने के पहले बस की साफ सफाई वगैरह सारी कुछ अंदर से हो चुकी है। अब थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन वॉशिंग मुझे मिल गई है। अब ड्राइवर भाई हमारे खुद गाड़ी की वॉशिंग कर रहे हैं, और इनसे भी मिलवाएंगे, सारी बातचीत करेंगे, पूरा रूट आपको बताएंगे। वॉशिंग अंदर से भी कितनी अच्छी तरीके से हो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी, ये देखिए पूरी मतलब सीढ़ियों में जो भी गंदगी होती है, कचरा छोटा मोटा पड़ा हुआ रहता है, पूरा इस पानी के प्रेशर से टोटली बाहर आ जाता है। ये मतलब ये सारा काम परफेक्ट ये सब कर रहे हैं ड्राइवर साहब, इनको पता है कि क्या कहाँ पे कचरा ज़्यादा है, कहाँ पे क्लीननेस वगैरह करना है। ये देखिए आप, ये होता है मेहनत, ये होता है काम। पूरा अंबाजी का वर्कशॉप है, सामने की ओर में डीजल फिलअप का है, और जहाँ पर मैं अब खड़ा हूँ ये पूरा वॉशिंग एरिया है। ये पीछे हमारी बस अभी वॉशिंग हो चुकी है, और उसके बाद में सामने पूरे हॉल्ट वगैरह पे रहती है बसें, और अंदर इनका पूरा स्टाफ का वर्कशॉप का पूरा मतलब एरिया जहाँ पे बैलेंसिंग वगैरह होता है, अलाइनमेंट वगैरह मैंने आपको दिखाया। अब जाएंगे प्लेटफॉर्म पे थोड़ी देर के बाद में। अब ये हमारी बुलबुल एक्सप्रेस आ चुकी है इस वर्कशॉप के स्टेज नंबर 3 पे। पहला मैंने आपको दिखाया अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह कैसी होती है, गाड़ी के जर्नी के पहले क्या क्या काम होते हैं, उसके बाद में वॉशिंग हुआ। आप ये देखो यहाँ पे मतलब ड्राइवर साहब खुद शीशे को साफ कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे 2-3 आदमी हैं वर्कशॉप में, बट मतलब आगे का जो है ना पूरा पार्ट ये खुद ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे देखो आप थोड़े से मतलब यहाँ पे हर चीज़ पड़े हुए हैं, छोटे मोटे पाने वगैरह, जो भी स्क्रू ड्राइवर वगैरह, जो भी मतलब चीज़ें हैं, इनको लगता है कि लाइट्स सही से चल रही है नहीं चल रही है, ब्रेक वगैरह का कोई इशू है, या जो जो नॉर्मल इशू है वो सब ये वाले एरिया में होंगे। तो अब यहाँ पर वो लाइट्स वगैरह, इंडिकेटर, हॉर्न्स वगैरह, नॉर्मल चीज़ें सभी चेक हो जाएगी। फिर यहाँ से और हम भी देखते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें मतलब होती है उसके पहले, और उसके बाद में फिर फाइनल जर्नी के लिए बस निकलेगी। मैंने धारी बस जर्नी की थी तब अमित भाई को देखा था इस तरह से मेहनत करते हुए, काम करते हुए, और आज दूसरी बार मैं देख रहा हूँ महेंद्र सिंह जी को अंबाजी में इस बुलबुल एक्सप्रेस में, जो कि चलती है अंबाजी से सोनगढ़ में। तो ये है वास्तव में मेहनत होती है, मतलब लगाव तो होता ही है बस को सजाने का, साथ ही साथ उसके पीछे जो खर्चा किया है उसको मेंटेन रखे, हमेशा उसमें साफ सफाई बनाए रखे, बस एकदम चकाचक लगनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक आप इस तरह से ड्राइवरों से सीख सकते हो। तो अंधेरा हो जाएगा क्योंकि बस है 7:45 का टाइम है निकलने का, तो उसके पहले मैं आपको बस का डेकोरेशन थोड़ा दिखा दूंगा और बस के बारे में दिखा दूंगा। सबसे पहले आप नंबर देख लो, GJ18Z9320, ये बस का नंबर है, और बस का नाम रखा है इन्होंने बुलबुल एक्सप्रेस। एक्चुअली ये नाम किसने रखा है, क्या इसके पीछे रीज़न है, वो भी मैं आपको ड्राइवर सर से बताऊँगा। तो रूट देख लो, सबसे पहले अंबाजी सोनगढ़ वाया बेरालू, वडनगर, विसनगर, गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, मकरपुरा और अंकलेश्वर, सूरत और कड़ोदरा, ये पूरा रूट है बस का। और यहाँ पर लिखा हुआ है माँ जय माता दी, अंबाजी डिवीज़न की बस है, बनास डिवीज़न की बस है, और अंबाजी से निकलती है तो जय माता दी तो बनता ही है। यहाँ पे देखेंगे आप बढ़िया से येलो कलर की पट्टी यहाँ पे लिखी हुई है, और इस बस का जो नाम है बुलबुल इस साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए आप पूरा सजाई हुई है बसों को, अंदर से पूरे फूल्स वगैरह है, ये मतलब इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बाकी इससे लुक एक नंबर आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लगता है। आगे भी लगा है, काश नज़र ना लगे किसी की, उसके लिए होगा। यहाँ पे GSRTC का लोगो है और अंबाजी
यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे भी दिखा दूँ आपको। तो साइड में पूरे ना इन्होंने स्टार लगाए हुए हैं बसों को, आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे स्टार से सजाया हुआ है बस को। और बस के बारे में आपको पता ही है, फ्यूल टैंक रहता है, लगेज बॉक्स वगैरह, व्हील बॉक्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पे रहता है। ये लुक की बात करें ना, तो पीछे भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी बुलबुल नाम लिखा हुआ है, ठीक है, बैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पीछे रूट बोर्ड हो गया, यहाँ पे माता जी का एक रेडियम से चेहरा बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर फिर से एक बार जय माता दी यहाँ पर ये लगाया हुआ है, शो अच्छा लग रहा है ये भी। और पीछे बोल रहे हैं कि लाइटिंग्स वगैरह लगाई हुई है, ये नाइट में वगैरह दिखेगा। ये तरफ से फिर से वो स्टार वगैरह सारा कुछ लगाया हुआ है। को अंदर का थोड़ा इंटीरियर दिखा देता हूँ, क्योंकि बाद में क्या है कि सारे पैसेंजर वगैरह आ जाएंगे तो दिखेगा नहीं यार। ये सबसे पहले तो स्टडी पे मुझे नज़र गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। और यहाँ पे देखिए माता जी का मंदिर, अम्बा जी माता का मंदिर है। और ड्राइवर साहब से मैंने पहले ही पूछ लिया कि ये मंदिर आपने कहाँ से लिया, तो बोले माता जी अम्बा जी से ही लिया, हमारे यहाँ पर ही फेमस है। और ये वाला भी एक और मंदिर है अम्बे माता का, तो वो भी इन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये देखिए आप, ग्रास लगा हुआ हुआ पूरा डैशबोर्ड पर, यानी इंजन ज़्यादा गर्म ना हो। और यहाँ पर पूरे फूल्स वगैरह इन्होंने लगाए हुए है। और ये भी देखो, इसे भी क्या बोलते हैं आपको पता होगा, ये शीशे पे ज़्यादा कर से काफ़ी प्राइवेट लग्जरी में वगैरह ट्रेन चल रहा है, काफ़ी लोग लगा रहे हैं। और ये बाहर से काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक हार लगाया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओह, एक डैडी ही यहाँ पर भी है ड्राइवर साहब के विंडो के ऊपर में, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फैन मिल जाता है ड्राइवर साहब को एक, और ये हिंदू हुआ है यहाँ पे ओम। और उसके बाद में आगे भी फूल्स वगैरह रखे है, स्टेयरिंग कवर भी लगाया हुआ है। और काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पर इन्होंने डेकोरेशन डैशबोर्ड पे किया हुआ है। थोड़ा पीछे से आपको दिखाता हूँ, लाइटिंग्स वगैरह बस की ऑन है, मैंने अभी करवाई है ऑन आपको दिखाने के लिए। मेरी बस पूरी रेडी हो चुकी है, साफ सफाई पूरा रेडी है। देखिए लाइट्स वगैरह मैंने ऑन वगैरह करवा दी है और आपको दिखाने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरह से इस बस का इंटीरियर है, आप सभी को पता ही है 2x1 का कॉम्बिनेशन रहता है इस बस का। नीचे 30 सीटें रहती है, ऊपर 15 स्लीपर रहते हैं। ये है डबल का स्लीपर, इसमें आपको बहुत ही अच्छा कंफर्ट, एक सोफा मिलता है डबल, और रीडिंग लैंप SOS सिस्टम मिलता है, ये शू रैक वगैरह बोल सकते हैं इसको, और कर्टन दोनों तरफ से मिल जाता है आपको प्राइवेसी के लिए। और एक हैंडल मिल जाता है, आप सोएंगे तो आप गिरोगे नहीं, मतलब सपोर्ट रहता है, काफ़ी अच्छा है। सेम टू सेम सिंगल स्लीपर का भी यहाँ पे है, ठीक है। और सीटिंग के मामले में भी यहाँ पे 2x1 का कॉम्बिनेशन रहता है। अच्छा, ऊपर में भी चार्जिंग सॉकेट है वो तरफ में, हर नीचे भी हर सीट के ऊपर में चार्जिंग सॉकेट रहता है वो तरफ में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है इंटीरियर, और पीछे आपको मिल जाती है इमरजेंसी विंडो। तो साफ सफाई बस की एकदम नीट एंड क्लीन हो चुकी है, बस निकलने के लिए तैयार है, लेकिन टाइम से पहले तो नहीं निकलेगी। तो अभी मतलब पूरी तैयार वगैरह होके खड़ी है एक साइड में, और मैंने पूरा लाइट्स वगैरह ऑन करवा के आपको इंटीरियर आराम से दिखा दिया। क्या होता है अचानक से, हम जब बस जर्नी करने को जाते हैं तब पैसेंजर वगैरह ऑन बोर्ड हो जाते हैं, ठीक से इंटरव्यू दिखा नहीं पाते। अगर कोई बस में डेकोरेशन ड्राइवर सर ने अपने जेब से किया हुआ रहता है, खर्चों से किया हुआ रहता है, तो वो भी सही से दिखा नहीं रहते। तो थोड़ा पहले आके आपको आज मैंने वर्कशॉप का सारा कुछ बता दिया, बस के बारे में सारा कुछ बता दिया, रूट के बारे में बता दिया, इंटरव्यू के बारे में सारा कुछ बता दिया। आप बढ़िया से बस जर्नी करेंगे, इंजॉय, कैबिन राइड बताएंगे, और जो जो रूट में जो जो आएगा वो सारा कुछ आपसे शेयर करेंगे। और आपके लिए इतने खूबसूरत से वीडियो लाता हूँ, इतने दूर दूर जाके वीडियो करते हैं, नाइट जर्नी, लॉन्ग जर्नी करते हैं, तो यार वीडियो को लाइक किया करो, थोड़ा मोटिव हमें भी मिलता है, और कमेंट करके बताया भी करो, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो यार। तो अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि आपको पता है कि मेरे वीडियो में मैं ड्राइवर कंडक्टर से आखिरी में बात करता हूँ, लास्ट में, तो लास्ट में ही बात करने वाला हूँ, पर कुछ बातें अभी भी मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है कि थोड़ा यार इतना सब कुछ किया है, मुझसे कॉन्टेक्ट किया, बुलाया, तो यार थोड़ा सा बात अभी भी कर लेता हूँ। तो दिक्कत ये है ना कि ड्राइवर साहब को हमारी थोड़ा हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है, तो वो गुजराती में बोलेंगे और मैं हिंदी में सवाल पूछूंगा, तो आप एडजस्ट कर लेना, है ना। तो चलो ड्राइवर सर से हम बात करते हैं। यह बुलबुल एक्सप्रेस के आज के हमारे ड्राइवर सर, सर आपका नाम बताओ। चौहान महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह चौहान। और कब से आप इस बस के ऊपर में मतलब ड्राइव कर रहे हो? दो साल से कर रहे हो। इसके पहले कहाँ थे आप? डिसा में चलते थे। अच्छा, डिसा से कहाँ चलते थे आप? डिसा में अंबाई नारायण। अच्छा, नारायण सरोवर, अम्बा डिसा, ओके। और अभी अम्बाजी सोनगढ़ 2 साल से कंटिन्यू है।
अच्छा, और ये जो रूट है मैंने देखा वरनगर जो ये विसनगर, तो ये मतलब पूरा घूम के है ना? छेली गाड़ी है, और सुना भी है कि 30 साल पुराना ये रूट है। तो एक ऐसा ही एक रूट बचा हुआ है कि मतलब पुराने रूट काफी खत्म हो चुके हैं, ये एक 30 साल पुराना रूट आज भी चल रहा है ना। तो ये जो बुलबुल नाम जो दिया है, बुलबुल एक्सप्रेस जो नाम दिया है, ये किसने दिया है? वो मनुभा ने, हमारा दोता का ड्राइवर है। दाता? हाँ, दोता का। दोता गाओ सोमवार का आता है। अच्छा, उसने नाम रखा है। उन्होंने नाम रखा था। तो ये कभी रखा हुआ है नाम? कितने साल हो गए? पुराने नाम हो गए। पुराने मतलब जब बस चल रही थी 30 साल पुराने, तब से इस बस को बुलबुल नाम दिया है। पैसेंजर आते बुलबुल से गाड़ी में पहचानते हैं। ओके, मतलब आज भी मतलब उस रूट के लोग बुलबुल नाम से इस बस को पहचानते हैं। ओके, तो इसलिए आज भी आपने ये बुलबुल लिखवाया और इसको कंटिन्यू किया, ये बहुत ही अच्छा किया आपने। और बाकी तो आपकी बस मैंने मेरे सारे सब्सक्राइबर भाइयों को दिखा दी, सबको पसंद आनी ही है, सबसे अच्छा है। और आपने भी बहुत मेहनत की है, पूरा खर्चा आपने ही किया ये? हमने पाँच ड्राइवर ने किया है। पाँच ड्राइवर ने किया है, अच्छा। और सबने मतलब मिलके मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा लगाया है ना? तो अच्छा, और आप एक वीक में कितने दिन चलते हो? मैं तो गुरुवार चलता हूँ। सिर्फ गुरुवार चलते हो, और वहाँ से फिर शुक्रवार को वापस चलते हो। आप अकेले चलते हो कि दो ड्राइवर रहते हैं? अकेले चलते हो और वापस वहाँ से अकेले आते हो, मतलब एक ड्राइवर एक कंडक्टर साथ में चलते? 580 किलोमीटर है। 580 किलोमीटर होता है ना ये? एक्चुअली मैंने देखा कम होता है, लेकिन आपकी बस विसनगर, वडनगर, गांधीनगर घूम के जाती है ना, तो थोड़ा किलोमीटर ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी सीधा खेड़ ब्रह्मा इधर और अहमदाबाद चली जाए तो काफ़ी कम हो जाएगा, आप है ना? तो ठीक है, तो अभी और बातें हम सोनगढ़ पहुँच के करेंगे। और बस आप मेरे सभी सब्सक्राइबर भाइयों को दिखाना था कि ये ड्राइवर साहब है, तो उस हिसाब से मैंने बातचीत करवा ली। तो अभी अपन जब जर्नी स्टार्ट करेंगे, फिर सोनगढ़ से हमारे महेंद्र सिंह जी से वापस से बातचीत करेंगे। और बस आ चुकी है अभी मजी के प्लेटफॉर्म पे, और अभी 7:45 पे यहाँ से निकलेगी। यहाँ पे ऐसे कोई प्लेटफॉर्म बने हुए नहीं है, जस्ट ऐसे साइड में बसें खड़ी करते हैं। बाजू में ही अहमदाबाद आबू पर्वत, और सामने है ये बाहर जाने का रास्ता। 7:46 हो गए अभी, बस ये थोड़े ऑनलाइन के जो पैसेंजर है, थोड़ा उनका सेटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो बस एक बार क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद ही निकलते हैं। सात बज के 51 मिनट हो चुके हैं और अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से। मैं आरती स्टार्ट है, तो थोड़ा मैं लेट स्टार्ट कर रहा हूँ व्लॉग, क्योंकि महेंद्र भाई का एक ये नियम है, जब भी बस स्टार्ट करते हैं तो आरती से ही स्टार्ट करते हैं। अभी अंबाजी से जस्ट हम बाहर निकल रहे हैं, आपको दिखा दे रहा हूँ, ये गेट है देखो। अभी आ चुके हैं हम अंबाजी से बाहर में, और आरती भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि सॉन्ग अलाउड नहीं रहता है, कॉपीराइट आने के चांसेस रहते हैं। अभी आपको मैं लाइटिंग वगैरह ऑन है बढ़िया से एक बार चालू गाड़ी में इस बस का इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सा अभी लग रहा है। महेंद्र भाई ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं। अब आगे थोड़ा डेकोरेट है कांच पे, तो आपको थोड़ा कैबिन लाइट एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी को इतना सजाया है तो रोड थोड़ा आपको डिफिकल्ट दिखेगा, बाकी अच्छा लग रहा है। आपको वाइड एंगल में दिखाता हूँ कैबिन लाइट। अब बस निकले हैं यहाँ से, तो थोड़ी देर लाइट्स ऑन रहेगी, उसके बाद में थोड़ा गार्ड का नज़ारा देखेंगे, उसके बाद में जितना कैबिन लाइट होगा उतना, और हर एक सिटी कवर करेंगे आज, ठीक है। एंड टू एंड जर्नी करने वाला हूँ अंबाजी से सोनगढ़ तक की, पूरे बने रहना, मज़ा काफ़ी आएगा। मैंने टिकट ले लिया है 462 का, हमें टिकट पड़ा है सीधा अम्बाजी से सोनगढ़ तक का,
ठीक है, और टोटल 600 किलोमीटर की जर्नी हमारी होने वाली है। तो अभी थोड़ा घाट सेक्शन चल रहा है, छोटा सा घाट सेक्शन है, घाट सेक्शन है अभी यहाँ से उधर है। अभी बढ़िया से इनके आरती वगैरह सारी कुछ हो चुकी है। मैं आराम से आपको मैं कैबिन राइड दिखाऊंगा। ये अभी नीचे उतर रहे हम, और यहाँ पे कंडक्टर भाई खड़े हैं, उनका कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा विंडो से दिखा रहा हूँ। कितना बढ़िया लग रहा है ना डेकोरेशन में वीडियो लेते हुए कैबिन राइड का। बस थोड़ा देर इनका और लाइट चालू रहेगा, उसके बाद में मतलब कुछ छोटे छोटे गाँव आते हैं ना, एक दो पैसेंजर रहते हैं, उसके बाद में लाइट ऑफ हो जाएगा, फिर आराम से नाइट जर्नी कवर करेंगे हम। ये एक्चुअली में पूरा घाट सेक्शन चल रहा है, मतलब अभी नाइट है तो इतना मतलब समझिएगा नहीं आपको, आपको लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पार दिख रहे होंगे। पूरा घाट सेक्शन अभी उतार रहे हैं हम, नीचे दाता की तरफ जा रहे हैं, पहला स्टॉप हमारा दाता आएगा। देख सकते हो अभी हमने ये रतनपुर बस स्टैंड पर पालमपुर हाईवे छोड़ दिया है, अब मेहसाना विसनगर और सदर थाना रोड पर आगे हम कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। मेहसाना वैसे नहीं आएगा, मेहसाना नहीं आएगा ना अपना, मेहसाना नहीं आएगा, हम सीधा वडनगर विसनगर की तरफ में मुड़ जाएंगे। पहुँचे हम बैरालू में, दो पैसेंजर थे यहाँ पे ऑनलाइन के, चढ़ गए अभी, जस्ट उनको लेके निकल गए क्योंकि ज़्यादा स्टॉप है नहीं है, जो रूट है उस रूट के हिसाब से चल रही है। क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि ये एकमात्र ऐसी बस है लास्ट इस रूट के लोगों के लिए, अगर निकल गई तो आगे कोई इनको साधन नहीं रहता है। तो मजेदार रूट है और 30 साल पुराना रूट है, तो मज़ा आ रहा है मुझे भी कवर करने के लिए। यहाँ से वडनगर जाएंगे बैरालू से, 15 किलोमीटर का डिफरेंस है यहाँ से ओनली, तो आपको मिलते हैं वडनगर में। ये है वेलकम टू वडनगर का बोर्ड, मतलब वडनगर में हमने एंट्री कर ली है, सीधा रोड विसनगर जाएगा उसके बाद में। जो आप देख रहे हो ना ऊपर की तरफ में वडनगर का रेलवे स्टेशन है, इसमें आपको दिखेगा नहीं, ये तरफ में ये रोको दिखेगा, ये देखो वडनगर रेलवे स्टेशन, जस्ट उसके बाजू से ये रोड है, पूरा रेलवे स्टेशन है ये। रात के 9:35 हो चुके हैं और बस आई है वडनगर के बस स्टेशन पे, और एक दो पैसेंजर यहाँ से और बोर्ड हुए हैं। कुछ इस तरह से वडनगर का बस स्टेशन देख लो, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ, बाहर में बहुत ही अच्छा बोर्ड लिखा हुआ था वडनगर बस टर्मिनल का, और ये रही हमारी खूबसूरत सी बस। आपको एक बात बताना भूल गया, वडनगर ये हमारे भारत के पंत प्रधान श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का गाँव था, और यहाँ पर बचपन में वो चाय वगैरह भी मतलब बेचते थे रेलवे स्टेशन पे, उनकी शॉप आज भी है वहाँ पर। भी ड्राइवर साहब ने मुझे बताया तब मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। वडनगर से विसनगर का ये पूरा सिंगल सेक्शन रोड है, और यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर लगता है विसनगर, फिर हम विसनगर से डायरेक्ट आपसे मुलाकात करता हूँ। और आ चुके हैं विसनगर के बस स्टेशन पे, टाइम हुआ है रात के 10, और अभी पहुँचे हम विसनगर बस स्टेशन पे। आपको याद होगा मैंने यहाँ से बस जर्नी की थी विसनगर से नासिक की, जो कि पाटन नासिक बस के अंदर में, तो कुछ मेमोरीज थी जो ताज़ा हो गई यहाँ आने के बाद में। काफ़ी अच्छा बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड को देखता हूँ तो मुझे वलसाड़ बस स्टैंड की याद आ जाती है, एक सेम ही डिज़ाइन का बनाया हुआ। ये रही हमारी बस, और चलो चलते हैं, मात्र ऑनलाइन के पैसेंजर थे, अब हो चुकी ऑलमोस्ट बस पूरी पैक। बस इतनी पैक हो चुकी ना, लोग इतने भरे इस बस में क्या बताओ, क्योंकि मैंने बोला आपको क्योंकि ये 30 साल पुराना रूट है, सबसे आखिरी बस यही जाती है इस रूट होके, मतलब वडनगर विसनगर और बेरालू और दाता वगैरह होके, तो पूरे लोग इस बस के इंतज़ार में होते हैं जो उसको रात को सफ़र करना है। तो ऑलमोस्ट पूरी बस पैक है, सब लोग खड़े हैं, अब मैं तो बैठा हूँ आगे, मैंने भी मेरी सीट किसी और को दे दी, मतलब भाई बैठो आप आराम से, मैं जा रहा हूँ आगे। निकल चुके हैं विसनगर से, और मैंने बोला ना पूरा बस पैक है, लोग खड़े हैं, और आखिरी रूट का यही सब मतलब यही होता है कि जब आखिरी बस रहती है तो सारे लोग इंतज़ार में रहते हैं। चलो अब करते हैं सीधे मुलाकात करेंगे आपसे गांधीनगर, अभी जितना रोड कवर करेंगे कवर कर सकते हैं उतना करेंगे, और बाकी गांधीनगर तो मिलते हैं।
रात के बजे है 11 और बस ने लिया है डिनर का हॉल्ट। होटल महीसागर करके है और यहाँ से गांधीनगर 10 किलोमीटर बाकी है। तो अभी खाना वगैरह खाते हैं। ड्राइवर साहब ने बहुत ही मतलब इन्वाइट करे वो कि आओ खाना खाने के लिए। मैं खा के अम्बाजी से इच्छा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन्होंने बुलाया तो 2 मिनट जाके बैठ जाता हूँ और मिलते फिर खाना वगैरह खाने के बाद। आ चुके हैं महेंद्र भाई के पास में डाइनिंग में खाना खाने के लिए और कंडक्टर साहब भी है हमारे। तो बैठे हैं यहाँ पे होटल महीसागर में। शो टमाटर की सब्जी ली है, दाल ली है, राइस और छाछ वगैरह ली है, ये सारा कुछ लिया है। तो अभी खाना वगैरह खाते हैं और महेंद्र सिंह जी ने स्पेशल घर से ही है, लापसी बोलते हैं इसको, और ये लाया है बना के देसी घी में। तो बोले टेस्ट करो, तो वो भी खाया, बहुत ही अच्छा है। खाना वगैरह खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। खाने की क्वालिटी रियली अच्छी है। एक्चुअली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इनके साथ में बैठा हुआ, इसलिए रियल में हकीकत में अच्छा है। एक तो टेंडर वाले होटल्स रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी बसेस खड़ी रहती है, यहाँ पर ना इनके बस के अलावा कोई बस खड़ी रहती ही नहीं है, सब फैमिली कार्स वगैरह खड़े हैं और प्रॉपर तरीके से खाना है। रियली एक नंबर खाना है। आप रिकमेंडेड है, अगर आप वडनगर और विसनगर की तरफ अगर गांधीनगर से जा रहे हो तो ये होटल महीसागर करके खाना ज़रूर खाना। ये जगह का नाम क्या है? बालवा चौकड़ी करके जगह है वहाँ पर, महीसागर करके। वक्त हुआ है 11:20 और होटल से हम निकल चुके हैं। खाना वगैरह खा लिया है, काफ़ी अच्छा खाना था रियली, और थोड़ा हैवी हो गया। एक्चुअली खाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ड्राइवर साहब ने क्या किया बताएं, उनको खुद को तो खाना है ही नहीं था, और कंडक्टर साहब को वो बोलते हैं कि मैं तो चावल खाता ही नहीं हूँ, सिर्फ 1 या 2 रोटी खाता हूँ बस, क्योंकि हम नॉन स्टॉप चलते हैं, बिल्कुल ही नहीं खाते, और टिफ़िन भी लगभग घर से लाते हैं। तो इन्होंने जो मंगाया था ना वो सारा मेरे लिए मंगाया था, तो इनको आइडिया नहीं था कि मैं खा के आया हूँ अम्मा जी से ही। तो थोड़ा सा दाल चावल और 1 रोटी मैंने भी खाई है, तो अच्छा था काफ़ी खाना। और अभी आ चुका ऊपर के स्लीपर में, जो आगे का रहता है ना सबसे एक नंबर का, तो उसमें कोई नहीं था फिलहाल, तो मोबाइल चार्ज करने के लिए स्पेशली मैं ऊपर आया हूँ। ये बस का जो एक्चुअली सॉकेट वगैरह है चार्जर का, वो सारा कुछ बंद है, और पावर बैंक तकदीर से मैं 100% पूरा चार्ज करके लेके आया था, क्योंकि मुझे आइडिया है कि ऑरेंज वाली जितने भी स्लीपर कोच बसें हैं उनका दिक्कत है ही है अभी फ़िलहाल। और अभी पर्पल वाली का जो अभी यूएसबी वाला जो सिस्टम आया वो काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉकेट वाले में क्या होता था, कोई लैपटॉप लगा रहता था, कोई क्या होता था शॉर्ट हो जा रहा था, तो इन्वर्टर उड़ जा रहा था, तो ऑरेंज वाली में सारा दिक्कत है। तो पावर बैंक का बंदोबस्त आप भी कभी जर्नी करो तो करना, अगर ये रूट में करना है तो पावर बैंक लेके आना। और मैं आपको पता है कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा मालेगांव पटन वाले में भी चार्जिंग सॉकेट मतलब ख़राब थे पूरे, उसमें भी चार्जर वगैरह नहीं था। तो लगभग आप तैयारी में रहना कि ऑरेंज बस है तो आपको चार्जर पावर बैंक वगैरह लेके चलना पड़ेगा। तो थोड़ी देर चार्ज करता हूँ, फिर आपको गांधीनगर या अहमदाबाद के आसपास मिलता हूँ। तो वक्त हुआ है रात के 12:15, 12:15 हुए और बस रानी बस स्टेशन आई थी, और एक पैसेंजर था ऑनलाइन का, एक सिंगल स्लीपर था ऊपर का, उनको लिया और तुरंत निकल गया। जस्ट बाहर आए हैं रानी बस स्टैंड से। मोबाइल मैंने अभी भी चार्ज पे लगाया है, रानी पाया इसलिए मैंने आपको दिखाया, ये रहा मेरा पावर बैंक। तो थोड़ा और कर लेता हूँ, अभी 28-29% हुआ है। भाई साहब नीचे उतरने के लिए जगह ही नहीं है, सोच रहा हूँ कि थोड़ी पब्लिक नीचे उतर तो मैं उतरूँ, पर कोई उतरने को तैयार नहीं है, मतलब सारे लोग आगे ही जाने लगता है। वडोदरा सूरत की तरफ है, पूरा पैक है पूरा। आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए पब्लिक कितनी खड़ी है यहाँ पर आगे, भाई साहब मैं आपको यहाँ से ही बता देता हूँ, 12:30 है, 12:34 और अहमदाबाद बस स्टैंड से हम अभी
निकल रहे हैं क्योंकि कंडीशन ही नहीं है नीचे उतरने की। और कंडक्टर भाई ने बोला है कि अब ऊपर रहोगे तो सेफ रहोगे, तो सेफ बना चाहता हूँ मैं। मुझे मोबाइल चार्ज करना है थोड़ा, क्योंकि आपको आगे का भी रूट बताना है, वडोदरा सूरत बारडोली व्यारा सोनगढ़ तो कुछ इस तरह से हैं, अहमदाबाद का गीता मंदिर। ये अभी नाइट का समय तो सारी बसें होल्ड पर है। देखा है मैंने आपको एक क्लिप दिखाई कैसे लोग मतलब पूरे नीचे बैठे हुए हैं। ट्रेन के जनरल डिब्बे में जैसी भीड़ रहती है ना, वैसा पूरा पैक हो चुका है। काफ़ी डिमांड वाली बस है भाई साहब, क्योंकि हर किसी को व्यारा सोनगढ़ ही जाना है। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, अहमदाबाद पे सूरत के लिए काफ़ी बसें आएंगी और आगे से, लेकिन सबको व्यारा सोनगढ़ जाना है और उस वजह से इस बस को इतना डिमांड है। ऑलरेडी बस तो वडनगर और विसनगर से ही पैक है, पर ऊपर से आ रहे हैं, खड़े रह रहे, सीट नहीं है। कंडक्टर साहब बोल रहे तो भी बोलते चलेगा, सीट नहीं होगी तो भी चलेगा, क्योंकि बैठ रहे। और अभी हम चल रहे हैं सीटीएम की ओर में, और ये ब्रिज के ऊपर से निकल रहे, ये नीचे देखिए सीटीएम वाला एरिया कितना खूबसूरत दिख रहा है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि आप एक्सप्रेस हाईवे दिखाना इतना भी कोई ये नहीं है, काफ़ी बार मैंने दिखाया भी है आपको, विंडो से कुछ शॉट्स दिखाऊंगा और डायरेक्ट मिलता हूँ वडोदरा पे। एक्सप्रेस हाईवे अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे। थोड़ा मैं भी एक झटका ले लेता हूँ, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, और फिर मिलते हैं वडोदरा सिटी पे। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बजे है 4:15 और अभी हमारी बस रुकी है होटल किशन करके जगह है वहाँ पर। जगह कौन सी है मुझे पता नहीं है, अभी ड्राइवर साहब मुझसे मिले नहीं है। मेरी नींद खुली है जो सॉन्ग बज रहे ना उससे, और देखा कि गाड़ी खड़ी है तो मैं फटाफट नीचे आया। टाइम देखा मतलब 4:15, वैसे तो 2 बजे तो मैं समथिंग 2 बजे मैं सोया हूँ एक्सप्रेस हाईवे पर, और लग रहा है कि वडोदरा चला गया हुआ है, मतलब करजंग के आसपास कहीं होंगे अब तो। वापस सॉन्ग चलो तो थोड़ा मैं पीछे आया हूँ। और अभी 3 बसें यहाँ पे खड़ी है, एक डीसा सूरत, एक हमारी और एक कोई प्राइवेट लग्जरी खड़ी है। तो अब चार्जिंग वगैरह तो मेरे पास में पूरी है, बाकी नींद कैसे लग गई मुझे पता नहीं, बाकी नींद बहुत अच्छी लगी मुझे। तो खाना वगैरह खाया था ना एक्सप्रेस से, कंटिन्यू बस चली तो हवा बहुत अच्छी आई। अहमदाबाद में गर्मी बहुत थी तो अभी चाय वगैरह लेता हूँ, और चाय लेने के बाद में मैं अब सोनगढ़ तक लगभग आपके साथ में नॉन स्टॉप कैबिन में रहता हूँ। अब यहाँ से नॉन स्टॉप जर्नी करेंगे बढ़िया से आगे बैठ के, क्योंकि अभी कोई टेंशन है नहीं चार्जिंग की वगैरह। रियरा हाईवे नेशनल हाईवे 8 नंबर मुंबई अहमदाबाद। चलो मैं चाय वगैरह लेता हूँ फिर बढ़ते आगे जर्नी की ओर। आ चुके हैं अभी कैबिन में, कैबिन राइड लेंगे बढ़िया से। महेंद्र भाई आ गए ड्राइविंग पे ऑफिस से, चाय पानी लेके निकल रहे अभी करजन पर ही हमारी गाड़ी, करजन के आगे खड़ी थी सॉरी गाड़ी, तो अभी यहाँ से निकले हैं तो बढ़िया से डोर वगैरह लगा लेते ही है और कैबिन राइड लेते अच्छे से। चल रहे अभी नर्मदा नदी पे, बाजू में मिलन ब्रिज है और
पर लाइट का नज़ारा इससे थोड़ा कम दिख रहा होगा। आ चुके हैं अभी अंकलेश्वर में, एक दो पैसेंजर यहाँ पे उतर रहे हैं अभी। चला भाई अंकलेश्वर से, कोई अंकलेश्वर बस स्टैंड पे कोई है नहीं है, तो बस स्टैंड के जस्ट बाहर से ही अभी पैसेंजर को उतरा गया। अभी हम निकल रहे हैं सूरत की ओर। अभी कामरेज से आगे आके ड्राइवर साहब ने बढ़िया अगरबत्ती वगैरह किया और सुबह के बजे है 5:40, आप देख सकते हो 6:45 मतलब, और सूरत में अभी एंट्री कर रहे हैं हम। ये काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब टाइम के अनुसार भगवान का भी ध्यान रखते हैं, माता जी को अगरबत्ती भी या भी इन्होंने किए हैं बढ़िया से। और पहुंच चुके हैं, ये है सूरत का रेलवे स्टेशन, देख लो जो इसके सामने ही है बच्चा है, सुबह सुबह का नज़ारा है। चुके हैं सूरत के बस स्टैंड में और ये रही हमारी बस अंबाजी सोनगर बुलबुल एक्सप्रेस, और फिर से यहाँ पे आ गए हैं हमारे भाई सागर भाई। ये मतलब 2-3 दिन से अचानक मिल रहे हैं हमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सागर भाई कैसे यार आपको पता चल जाता है कि मैं आ रहा हूँ? नहीं मैं भी आज जस्ट मैं अभी जर्नी करके उतरा ही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जस्ट मैं आया और बाहर निकला हूँ, मैंने बोला चलो चाय पानी पी लेते, अभी देखिए कपड़े कुछ चेंज नहीं किया, ब्रेक बैग रख दिया ऊपर और सीधा अभी निकल आया हूँ चाय पीने के। चलो बढ़िया, ये तो पाक ने मिला लिया फिर से एक बार। तो चलो ये थे हमारे सागर भाई, बातें काटे करता हूँ इनसे। यह है बारडोली का बस स्टैंड और अभी यहाँ से निकल रहे हैं सुबह के बजे 7, और मैं गया था दूसरी बस में इस बस के शॉट लेने के लिए, तो काफ़ी अच्छे शॉट मतलब इस बस के मैंने लिए हैं, कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी बस यहाँ से निकलेंगे सीधा व्यारा की तरफ और व्यारा लास्ट स्टॉप रहेगा हमारा सोनगढ़। आ चुका है और बहुत ही अच्छी बारिश यहाँ पर चालू हो गई है, सुबह सुबह का नज़ारा है, 7:30 है और देखिए आप बारिश रास्ते पे आपको पूरा रास्ता गीला दिखेगा, बहुत ही अच्छी वो एक तो रहता ना मिट्टी की खुशबू इतनी मस्त आ रही है ना कि क्या बताऊँ आपको, मतलब ये फील करना मॉर्निंग के समय में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब निकल चुके हैं व्यारा से, क्लाइमेट बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश का एकदम सीज़न चालू हो गया ऐसा लग रहा है एकदम। और अभी यहाँ से ना कुछ 20 किलोमीटर आई थिंक सोनगढ़ है और मतलब कुछ 15-20 मिनट पहुँच भी जाएंगे, तो अभी मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखाऊंगा नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, डायरेक्ट सोनगढ़ आपको मिलता हूँ और फिर ड्राइवर कंडक्टर इन सबसे बातचीत करेंगे और जर्नी के बारे में बातचीत करेंगे, सोनगढ़ पहुंच जाते हैं उसके बाद में बातचीत करते हैं। और अभी हाईवे छोड़ दिया आपने दुलिया सूरत और अभी सोनगढ़ के लिए नीचे अभी उतर गए हम।
दोस्तों पहुंच चुके हैं सोनगढ़ बस स्टैंड, और कुछ इस तरह से सोनगढ़ का एकदम नया नया बस स्टैंड बनाया हुआ है। और ये है हमारी बुलबुल एक्सप्रेस, जो कि आज हमने या अंबाजी से सोनगढ़ का सफ़र किया है इसमें। और साथ ही साथ आपको कंडक्टर साहब और ड्राइवर साहब से भी बातचीत कराऊंगा, जो कि वैसे तो हमने अंबाजी में बातचीत किया था इनके साथ में, लेकिन अभी कुछ ड्राइविंग का एक्सपीरियंस वगैरह पूछेंगे और कंडक्टर साहब से तो बात ही नहीं किया था, तो चलो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपने महेंद्र भाई, इन्होंने कल ही अपना नाम बता दिया था जब हम अंबाजी से निकले थे। और कंडक्टर साहब आपका नाम क्या है? तरल कनु भाई। कनु भाई, ओके। आप कितने साल से जीएसआरटीसी में काम कर रहे हो? 2011 से। 2011 से, उसके पहले? घर खेती काम करते। अच्छा, खेती काम करते थे, है ना। तो यही रूट पे चल रहे हो पहले से? नहीं, रोटेशन, अलग 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 अलग, लोकल भी जाते हो, बाहर भी जाते हो, है ना। ठीक है, अच्छा, ओके। और हमेशा बस पैक ही चलती है कि कल ही पैक थी? नहीं नहीं, हर रोज। हर रोज पैक ही चलती। कल देखा तो पूरे लोग गैलरी में अंदर बैठे हुए थे, नीचे भी ज्यादा से लोग आते। अच्छा, इससे भी ज्यादा आते हैं, एकदम ऐसा वो ट्रेन का जनरल डब्बा रहता वैसा ही दिख रहा था एकदम। चलो, देख के अच्छा लगा पहली बार कि बस में भी इतने लोग इंटरेस्ट लेते हैं। ये मतलब जो अंबाजी सोनगढ़ बस है, इसमें काफ़ी लोग इंटरेस्ट लेते हैं। और हमारे ड्राइवर साहब महेंद्र भाई, महेंद्र भाई सबसे पहले बताओ, आपने इसमें कितना रुपए खर्चा किया है बस में? 15,000 रुपये आपने खर्चा किया है ना, अकेले ने? अच्छा, और क्या करना चाहते हो इस बस में, और क्या लगता है कि क्या बाकी है? और अब लाइटिंग बाकी है। लाइटिंग बाकी है, और व्हील कैप का कुछ बोल देते आप? व्हील कैप, व्हील कैप लगाना है ना आपको? सोफा लगाना है, मतलब और मतलब 15-20 हज़ार का और खर्चा रहेगा, तो मतलब कुल मिलाकर 40,000 का खर्चा आपका हो जाएगा। अच्छा, तो काफ़ी अच्छी ड्राइविंग की महेंद्र भाई ने। और आपको बता दूँ, अंबाजी से सोनगढ़ अकेले ड्राइविंग करके लेके आए हैं, टोटल 600 किलोमीटर का सफ़र हुआ है। तो कल रात को 8 बजे निकले थे और अभी टाइम हुआ है सुबह के 8, मतलब 12 घंटे हो चुके हैं अभी हमारे जर्नी को। और महेंद्र भाई, आप भी मतलब यही रूट पे कंटिन्यू हो ना? अच्छा, गुरुवार को अंबाजी से निकलते हो और शुक्रवार को यहाँ से निकलते हो, है ना। यहाँ से कितने बजे टाइम है निकलने का? 6 बजे, शाम को 6 बजे, और उधर भी सुबह 6 बजे पहुँचते होंगे। ठीक है, ओके। अगर आपको भी अंबाजी से सोनगढ़ और सोनगढ़ से अंबाजी जाना हो तो ये बेस्ट बस है। और इसका रूट थोड़ा अलग है क्योंकि ये 30 साल पुराना रूट है, 30 साल पुराना रूट है ना, और इसको आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं और इतना ध्यान दे रहे हैं इस बस में। अभी भी साफ़ सफाई एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसमें जो सफ़र करते हैं ना लोग, वो सब रेगुलर वाले लोग हैं, मतलब नए लोग बिल्कुल नहीं है, कुछ आते हैं, बाकी इसमें पूरा ध्यान देते हैं वो लोग, क्योंकि इस बस को वो बुलबुल नाम से जानते हैं, इस बस का नाम दिया है। लोग है ना बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं तो पूछते हैं डायरेक्ट अंदर कि बुलबुल एक्सप्रेस कब आएगी, ये भी मैंने पहली बार ही देखा है, मतलब है रियल में है। अंदर मैंने पैसेंजरों से बात भी की तो काफ़ी डिमांड वाली बस है। और इस बस का रूट और इस बस का सफ़र मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ड्राइवर साहब ने बस भी काफ़ी अच्छी चलाई, कंडक्टर साहब काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, इनकी सीट पूरी मुझे दे दी बैठने के लिए और वो अंदर बैठे थे। और काफ़ी मतलब ऐसा स्टाफ हो तो मज़ा भी आता है साथ में जर्नी करने का। वैसे ये बनास डिवीज़न की बस है और बनास का स्टाफ भी एक नंबर स्टाफ है। तो महेंद्र भाई और कन्नू भाई, थैंक यू सो मच, ऐसे जीएसआरटीसी की सेवा करते रहो और ऐसे ही अपना काम अच्छे से करते रहो, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर से, है ना। तो दोस्तों, आपको ये मेरा अंबाजी से सोनगढ़ वाला वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल में आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलेंगे ऐसे ही नए नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।